हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो टाइटल रियलिटी ऑफ हिंदू इन पाकिस्तान। तो थोड़ी सी लेंथी है वीडियो, तो पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। इस फोटो को देखिए, ये है इमरान खान भगवान शिव के रूप में, और आप देख सकते हैं कि कैसे इस फोटो में कई हिंदू चीजें अभी भी हैं। उनके सर के ऊपर चांद है, गर्दन के पास एक सांप, शेर की चमड़ी, डमरू और त्रिशूल भी। तो इमरान खान को एक हिंदू भगवान के रूप में क्यों दिखाया जा रहा है? क्या इमरान खान की तारीफ हो रही है? नहीं, बल्कि इमरान खान का मजाक बनाया जा रहा है। फोटो के ऊपर उर्दू कैप्शन बोल रहा है, यूथियों का ना दीन है ना ईमान है, उनका सिर्फ इमरान भगवान है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर्स को यूथिया बुलाया जाता है उनका मजाक बनाने के लिए, और ये फोटो इमरान खान और उनके सपोर्टर्स का मजाक बना रही कि उन लोगों का कोई ईमान नहीं है, बल्कि उनके लिए बस इमरान खान ही भगवान है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी जान मेरी जिंदगी भी इमरान खान को लगे। और ये फोटो पोस्ट करी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक फैन पेज ने, जो इमरान खान के खिलाफ एक ऑपोजिशन पार्टी है। अब इस फोटो को देखिए, जहां मरियम नवाज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी को काली देवी के रूप में दिखाया जाता है, और इस बार ये फोटो पोस्ट करी थी इमरान खान के पार्टी मेंबर ने। फोटो के ऊपर एक हैशटैग था जिसको बुलाया गया था दूसरा रूप, और ये फोटो ये बताने की कोशिश करी है कि मरियम नवाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदू भगवानों की उनके कई रूप है। और ये बस इक्का दुक्का उदाहरण नहीं है, कई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का मजाक बनाया जाता है हिंदू भगवानों की फोटोज यूज करके। जैसे ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पॉलिटिशियन, जिनको भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया जा रहा है। तो हिंदू भगवान क्यों यूज करे जा रहे हैं? मीम फोटोज बनाने के लिए, ताकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का मजाक बनाया जा सके। इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के लिए रिलीजियस फोटोज यूज करना कोई नई चीज नहीं है। ये इलेक्शन पोस्टर है जो 1970s में निकला था, जहां हम देख सकते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो एक सफेद घोड़े पर सवार है जो आसमान की दिशा में देख रहे हैं। उर्दू में जो टेक्स्ट लिखा गया है वो बताता है कि कैसे जुल्फिकार अली भुट्टो इस्लाम के एक सिपाही है। ऐसी फोटोज हमने इमरान खान के दौर में भी देखी, और ये पोस्टर बस पिछले साल का है, जहां इमरान खान को मोसेस की तरह दिखाया जाता है, जो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के रिलीजन में बहुत महत्वपूर्ण है। पर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नई चीज अब ये है कि हिंदू भगवानों की भी फोटोज यूज करी जा रही है, और ये दिखाने के लिए नहीं कि कैसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस बहुत बहादुर हैं, बल्कि उनका मजाक बनाने के लिए। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि हिंदू भगवानों को क्यों मीम्स की तरह यूज किया जा रहा है। पाकिस्तानी हिंदुओं ने इस चीज के खिलाफ भी बोला है। अमीर लियाकत हुसैन साहब ने उस बयान को लेकर एक हिंदू देवी की तस्वीर लगाई है। दो रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तानी समाज में। जब सिंध के चीफ मिनिस्टर को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया जा रहा था, उसी समय पाकिस्तानी सिंध में एक कृष्ण मूर्ति को तोड़ने की भी न्यूज आई। और ये सारे मीम्स दर्शाते हैं कि पाकिस्तानी समाज में अभी हिंदुओं के लिए क्या प्रॉब्लम है। अब ये जानने के लिए कि हिंदुओं को कैसे दिखाया जाता है पाकिस्तानी समाज में, इस चीज को समझने के लिए हम पाकिस्तानी किताबों को देख सकते हैं कि किताबों में हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है, और पाकिस्तानी स्कूल की किताबें पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में ये कहती है। किताब के अंदर इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नजर में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं, तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढूं। US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि पाकिस्तानी किताबों में रिलीजियस बायस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब चाहे इंडिपेंडेंस के दौर में पाकिस्तान में कई रिलीजन के लोग थे, पर पाकिस्तानी किताबों के हिसाब से पाकिस्तानी होने के लिए आपके लिए मुस्लिम होना बहुत जरूरी है। जैसे क्लास 10th की उर्दू टेक्स्ट बुक कहती है कि इस्लामिक कल्चर नॉन मुस्लिम्स के कल्चर से बहुत अलग है, इसी वजह से हिंदूज के साथ कोऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। और ये बस उर्दू भाषा की टेक्स्ट बुक नहीं कह रही, बल्कि साइंस किताबों में भी आप ऐसी ही चीजें देखोगे। जैसे जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात हो रही होती है किताब में, तब बोला जाता है कि चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी पर मानना नामुमकिन है। इसके बजाय हर बुद्धिमान व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि अल्लाह ने अपनी पावर के जरिए सभी जीव जंतु को बनाया है। कई पाकिस्तानी सरकारों के लिए भी बहुत जरूरी था ये बोलना कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी और इस्लाम दोनों इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, जिया उल हक, नवाज शरीफ या परवेज मुशर्रफ। I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws.
यूएस स्टडी ने दिखाया कि पाकिस्तान इतिहास दिखाता है जहां एक नेशनल इस्लामिक आइडेंटिटी को प्रमोट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप पाकिस्तानी हो और आप मुस्लिम नहीं हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि आपकी आइडेंटिटी का नेशनल आइडेंटिटी से क्या लिंक है। और इसी तरह कई किताबें हिंदूज के बारे में भी गलत फहमी फैलाती हैं। जैसे ये किताब दिखाती है कि कैसे हिंदूज विधवाओं को या फिर गरीबों को ढंग से रखते नहीं। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर। कई पाकिस्तानी कहानियों और मैगजीन्स में हिंदुओं को विलन की तरह दिखाया जाता है। दार डाइजेस्ट एक ऐसी ही पाकिस्तानी मैगजीन है जो हॉरर स्टोरीज पब्लिश करती है, और ये फोटो उन्होंने यूज करी थी एक विलन को दिखाने के लिए। जैसे 2015 में मैगजीन ने एक कहानी पब्लिश करी जहां उन्होंने बताया कि कैसे भूत की दुनिया में एक बहुत बुरी वॉर चल रही थी जहां मुस्लिम भूत हिंदू भूत के खिलाफ लड़ रहे थे, और सडनली एक ऐसा राक्षस आया जिसकी 3 आंखें थी और गर्दन के पास एक सांप। जो बेसिकली बताने की कोशिश करी थी कि कैसे हिंदूज एक विलन है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझने के लिए हमें पाकिस्तान का इतिहास समझना होगा और पाकिस्तान की राजनीति में क्या चल रहा था। तो हम सब जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी कि पाकिस्तान इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक नया देश बने, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि पाकिस्तान सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और उनकी सोसाइटी इक्वल होगी। तो अगर मोहम्मद अली जिन्ना ये सब चाहते थे तो आज पाकिस्तान में ऐसी मीम इमेजेस क्यों है। पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट बनने से कुछ दिन पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने ये स्पीच दी थी जहां उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है या फिर कहीं और अगर आप भगवान के पास जाना चाहते हो पाकिस्तान में, आप चाहे किसी रिलीजन के हो, पाकिस्तानी सरकार का उस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। इस स्पीच के करीब एक साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई। पाकिस्तान्स क्रिएटर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज लेड टू रेस्ट। अब ये कहना मुश्किल है कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना एक्चुअली सेक्युलरिज्म की तरफ कमिटेड थे, क्योंकि उन्होंने एक नया देश बनाया जिसको इस्लामिक रिपब्लिक कहा गया। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी सरकारों ने मोहम्मद अली जिन्ना की इस ऑडियो स्पीच की रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स कई पाकिस्तानी सरकारों की पॉलिटिक्स के लिए अच्छी नहीं थी। पर एक पॉलिटिकल लीडर जिसने सबसे ज्यादा अटैक किया पाकिस्तान के सेक्युलरिज्म को, वो थे जिया उल हक। जिया उल हक एक रेडिकल इस्लामिस्ट मिलिट्री डिक्टेटर थे जिन्होंने पाकिस्तान की कमान संभाली 1977 में। वो पावर में आए थे एक मिलिट्री कू से, और इस कू के बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान पर एक मार्शल लॉ लगा दिया और पिछले प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया। All I will stress on this that justice must be done and nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B or General Ziaul Haq himself. उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के कई लिबरल चीजों को डिलीट कर दिया और कई इस्लामिक लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए। जिया उल हक बोलने लग गए कि कैसे इस्लाम पाकिस्तान की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, इसलिए जब जिया उल हक ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया, जिया उल हक के लिए पाकिस्तानी लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए तरीका था कि वो इस्लाम यूज करेंगे हर चीज में। जिया उल हक ने कई शरिया लॉज इंट्रोड्यूस करे और लोगों को सजाएं देने के लिए उन्होंने के हाथ काटना और पब्लिकली पत्थर फेंकना भी अप्रूव कर दिया। There are these serious punishments like stoning a man to death, chopping off a hand or the lashes. अब जिया उल हक की तो मौत हो गई, पर पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन नहीं रुकी। जैसे बेनजीर भुट्टो जो जिया उल हक के बाद प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान की, उन्होंने भी पाकिस्तान के शरिया कोड को हटाया नहीं। इनफैक्ट पाकिस्तान का फेडरल शरिया कोड अभी भी लागू है, और कोर्ट की वेबसाइट कहती है कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 के हिसाब से सभी लॉज को इस्लाम और प्रॉफिट के सुन्ना से कम्प्लाई करना होगा। तो आज भी पाकिस्तान और इस्लाम को सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से पाकिस्तानी किताबों में भी इस्लामिक आइडेंटिटी पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। पर कई पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन जिया उल हक से स्टार्ट नहीं हुई। उनका दावा है कि कई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को पता था कि इस्लाम को यूज करके ही वो इलेक्शंस जीत पाएंगे। इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना की खुद की कई राइटिंग्स ने दिखाया कि कैसे वो पाकिस्तान को एक कंजर्वेटिव इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। अयूब खान जो पाकिस्तान के एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो पाकिस्तानी पब्लिक को ये बताना चाहते थे कि पाकिस्तानी आर्मी ही है जो इस्लाम को बचा पाएगी। 1960
1980 में अयूब खान के अंडर आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर ने कहा कि जिहाद की इस्लामिक फिलॉसफी बहुत ही जरूरी है और कोई भी जो देश के लिए जिहाद करेगा वो और दूसरे लोगों के कंपैरिजन से ज्यादा रिस्पेक्टेड होगा। अब जब एक रिलीजियस आइडेंटिटी को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है तब उसकी वजह से दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है और यही हुआ है पाकिस्तानी हिंदूज के खिलाफ पाकिस्तान के समाज में। इसे क्लास 8 की हिस्ट्री किताब में दिखाया जाता है कि कैसे इंडिया की पार्टीशन करनी पड़ी क्योंकि हिंदू लीडरशिप मुस्लिम्स की राइट्स, कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज को दबाने की कोशिश कर रही थी। रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये दावा किया, पाकिस्तान डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एन इस्लामिक कंट्री बट हाउएवर सेड माइनॉरिटीज विल बी प्रोटेक्टेड। Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. और अगर आप statistics देखोगे तो पाकिस्तानी हिंदूज के बारे में वो सही कह रहे हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के फाउंडर के हिसाब से हर महीने 50 हिंदू परिवार पाकिस्तान से इंडिया आते हैं। इस चीज का दोष पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने तालिबान पर डाला है और कहा है कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान की इमेज खराब करने के लिए, पर रियलिटी डिफरेंट है। Back in Karachi comes the swearing in of Mr. Jinnah as Governor General of Pakistan. जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली तो पाकिस्तान की 20% पॉपुलेशन हिंदू थी और करीब 50 साल बाद ये नंबर बस 1.6% हो गया। अब 1998 के बाद कोई गवर्नमेंट सेंसस नहीं हुआ है जिसने रिलीजन के हिसाब से पॉपुलेशन बताई हो, पर मोस्ट एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि पाकिस्तानी हिंदू पॉपुलेशन और कम ही हुई है। और ऐसा क्यों हुआ है, इस चीज के लिए हमें समझना होगा कि पाकिस्तानी हिंदू किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। मजहब तब्दीली, गुंडागर्दी, अगवाखोरी। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रही थी इस बात के खिलाफ, फोर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ, जहाँ कई हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग एक साथ इकट्ठे हुए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और ये प्रोटेस्ट पहली बार नहीं हुई। सिंध में हिंदू औरतों को मोहब्बत और शादी के नाम पर जबरदस्ती या दबाव में लाकर मुसलमान करने के वाकयात अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं। 2022 में एक 18 साल की हिंदू लड़की पूजा कुमारी को वशीद लशारी तंग कर रहे थे, जो एक ऐसे मुस्लिम समुदाय से था जो एक पॉलिटिकली पावरफुल कम्युनिटी थी, और पूजा और उनके परिवार को एक धमकी दी गई थी फोर्स्ड शादी की। जब उनके परिवार पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी कुछ करने से मना कर दिया। उसके बाद वशीद और उनके आदमी पूजा के घर जबरदस्ती आ गए और जब पूजा ने मना कर दिया उनके साथ आने के लिए तो वशीद ने एक पिस्तौल ली और पूजा को मार गिराया। और ऐसी कई कहानियां हैं। 2019 में दो हिंदू बहनें रीना और रवीना को किडनैप किया गया और जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके बाद दो लड़कों के साथ उनकी शादी करवाई गई। हम कुछ नहीं कर सकते और बस और क्या करते, मार होती है बहनों को। रीना और रवीना को बहुत याद करते हैं। पर ऐसी कई कहानियां आपको मिल जाएंगी। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस चीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट्री ग्रुप की एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 12 से 25 साल की 1000 लड़कियों को मजबूरन कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जहां कई कन्वर्जन्स फोर्स्ड होती हैं, दूसरी कन्वर्जन्स हो रही हैं क्योंकि हिंदू कम्युनिटी लोगों के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जैसे मोहम्मद असलम शेख का उदाहरण लेते हैं, जिनका जून 2020 तक नाम था सावन भील, और उन्होंने एक ऐसी सेरेमनी में हिस्सा लिया जहां 100 लोगों ने एक इस्लाम अपना है। और वो कहते कि इस्लाम अपनाने की वजह से उनका सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा पाकिस्तान में, और वो कहते कि ऐसी चीज अब कॉमन हो रही है बहुत गरीब हिंदू परिवारों में। पाकिस्तानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने कहा है कि ऐसी कन्वर्जन्स को देखकर आपको लगेगा कि लोग खुद ब खुद कन्वर्ट कर रहे हैं, पर इनफैक्ट वो डिस्क्रिमिनेशन और गरीबी की वजह से कन्वर्ट कर रहे हैं। पर फोर्स कन्वर्जन नहीं तो कई हिंदुओं को मॉब लिंचिंग का भी सामना करना पड़ता है। 2016 में एक हिंदू आदमी सिंध में बिरयानी खा रहा था, एक ऐसी बिरयानी जो उसको चैरिटी में दी गई थी, पर पुलिस कांस्टेबल उस आदमी को मारने लग गया क्योंकि वो आदमी रमजान के दौरान खाना खा रहा था। 80-year-old हिंदू मैन वॉज ब्रूटली अटैक्ड इन पाकिस्तान्स रिमोट विलेज इन द सिंध रीजन। इन फैक्ट ही वॉज अटैक्ड बाय अ पुलिस कांस्टेबल एंड हिज ब्रदर फॉर अलेजेडली ईटिंग ड्यूरिंग द फास्टिंग आवर्स ड्यूरिंग द रमजान पीरियड। पिछले साल एक भीड़ ने एक हिंदू आदमी को मारा क्योंकि अलेजेडली वो आदमी कुरान की इंसल्ट कर रहा था। अ ब्लडथर्स्टी मॉब targeted a Hindu man. Fake blasphemy case has been slapped after a personal feud. इस वायलेंस को ऑलमोस्ट गवर्नमेंट अप्रूवल मिल गई है क्योंकि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज बना दिए गए, जिसका मतलब है कि अगर आप इस्लाम की इंसल्ट करोगे तो आपको जेल ही नहीं बल्कि सजाए मौत भी मिल सकती है। और यही ब्लास्फेमी लॉज पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के खिलाफ यूज करे जाते हैं। जैसे पिछले साल एक श्रीलंकन फैक्ट्री एग्जीक्यूटिव को लिंच कर दिया गया फैक्ट्री के वर्कर्स ने, जब उस एग्जीक्यूटिव पर दोष डाला गया कि वो इस्लाम के स्टिकर्स फाड़ रहा था। 2011 में
में एक पाकिस्तानी मिनिस्टर का मर्डर किया गया जब वो आसिया बीबी एक क्रिश्चियन लड़की को डिफेंड कर रहे थे जिस पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने प्रॉफिट को इंसल्ट किया था। अब 2019 में आसिया बीबी को बाइज्जत बरी जरूर किया गया पर वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई और उनके लॉयर्स को डेथ थ्रेट्स मिलती रही। ये मसला ऐसा मसला नहीं है जिस पर उसकी माफी से माफी मिल जाएगी, इसकी माफी सिर्फ गर्दन मार देना है और फांसी कर दे देना है। इनफैक्ट इस साल पाकिस्तानी सरकार ने इन लॉज को और स्ट्रिक्ट बना दिया जिसकी वजह से माइनॉरिटीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होने की चांसेस बढ़ गए। तो पाकिस्तानी सरकार क्या कर रही है इस चीज के बारे में, इमरान खान की इस स्पीच को सुनिए। इस पाकिस्तान में सारे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन, इक्वल शहरी बने। वो जरूर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं और वो पहले प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। कई पाकिस्तानी लीडर्स ने स्पीचेस दी हैं और सरकारों ने कई कमिटीज बनाई है माइनॉरिटीज के लिए। मैं तमाम पाकिस्तानियों को वज़ीर-ए-आज़म जिसमें सब शामिल है, हम सब शामिल है, जो नंगे सर हैं वो भी शामिल है, जो पगड़ियों वाले वो भी शामिल है, जो टिंड कराते हैं वो भी शामिल है, जिनके बाल हैं वो भी शामिल, जो दाढ़ी रखते हैं वो भी शामिल, दाढ़ी नहीं रखते वो भी शामिल है। 2021 में पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने दो कमिटीज बनाई, एक पाकिस्तानी हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी और दूसरी पाकिस्तानी सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। 2020 में पाकिस्तान ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी सेटअप किया। अब ये कमिटीज बनाना जरूर पहला अच्छा स्टेप है पर कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया कि इन कमिटीज को ऑफिस स्टाफ नहीं दिया जाता और ये नहीं बताया जाता कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, तो इसकी वजह से इन कमिटीज से फायदा होता ही नहीं है। तो फिर क्या सभी पाकिस्तानी हिंदू ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं? Perception of Pakistan and India is kind of strange. I don't know what you guys get to see on television. I don't know what you guys get to see on the internet or the media. Pakistan is a pretty liberal country to live in. ये है दीपक परवानी, एक मशहूर पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर। इनफैक्ट दीपक एक बहुत अमीर पाकिस्तानी हिंदू है जो एक बहुत पावरफुल और अमीर पाकिस्तानी परिवार से आते हैं जो कराची और पाकिस्तान के हैदराबाद में है। उनको पाकिस्तान का कल्चरल एम्बेसडर भी बनाया गया चाइना और मलेशिया के लिए। एक और पाकिस्तानी प्रोमिनेंट हिंदू है करनी सिंह, जिन्होंने 2015 में एक इंडियन लड़की के साथ शादी करी जयपुर में, वो भी पूरे राजपूत धूमधाम के साथ। करनी सिंह का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। लोग ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान में कई हिंदू फेस्टिवल्स जैसे दिवाली और होली भी सेलिब्रेट की जाती है। आज की वीडियो बन रही है दिवाली के ऊपर कि पाकिस्तान में दिवाली किस तरह बनती पर है। जो भी आप ऐसे कहानियां देखते हो वो उन हिंदुओं की कहानी है जो बहुत अमीर है। यूजली ये हिंदू अपर कास्ट भी है पर अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी दिखाना गरीब हिंदुओं के लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। उनके लिए ऑप्शन हो जाता है कन्वर्ट करने का, क्योंकि कन्वर्जन से ही वो पाकिस्तानी समाज की सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान को कि किस तरह से उनका समाज हिंदूज, अहमदियाज या फिर क्रिश्चियंस को ट्रीट करता है। और ये जो मीम्स देखे हमने ये एक उदाहरण है जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है अभी पाकिस्तानी समाज में। अब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जरूर कहें कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है पर ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये समाज की हकीकत है। और इसी चीज से हमारा समाज भी सीख सकता है कि क्या रिस्क होता है जब देश की आइडेंटिटी एक रिलीजियस आइडेंटिटी से इतनी ज्यादा लिंक हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम अपने रिलीजन से बहुत प्राउड फील करते हैं, प्रॉब्लम तब होती है जब हम ये मानने लग जाते हैं कि दूसरा रिलीजन हमारे रिलीजन से कमजोर है। जब हम ये मानने लग जाए कि हमारा त्योहार डिसाइड करेगा कि हमारे समाज के सभी लोग क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। पर अच्छी बात ये भी है कि हमारे देश में कई एग्जाम्पल्स है जिससे हम सीख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हुआ था 2002 के दंगों में। इन दंगों में अहमदाबाद में तो कई जाने गई पर सूरत जो कुछ ही किलोमीटर दूर था उधर इतना वायलेंस नहीं हुआ। क्यों? अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा ये वीडियो जो आपको बताएगा कि रिलीजियस डिवर्सिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे समाज के लिए ही नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी के लिए। तो इस तो जी आकाश भाई एंड रहमतुल्लाह भाई वीडियो खत्म हुई। इस भाई ने सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया, मतलब के जीरो लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारा कुछ चीजों ने कंबाइन करके एक बड़ी ब्रीक बिनी के साथ बताया कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो है कम्युनिटी जो है वो किन किन मुश्किलात का सामना करती हैं। मतलब फिर उन्होंने साथ मिसालें दी दो सिस्टर्स की भी, रीना और वीना आई थिंक उसका नाम था, उसके बाद और भी की मिसालें। सबसे पहले शुरू करते हैं इमरान खान का जो बनाया गया था मुजस्मा उनके भगवान की शक्ल में और ऊपर यह लिखा हुआ था कि यूथियों का सब एक ही खुदा है वो है इमरान, मतलब इस तरह का शेर लिखा हुआ था। मतलब बात करने का मकसद ये है कि यार अगर किसी के भगवान की खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्ला माज़ अल्लाह हमारे नबी की या हमारे जो अंबिया कराम की कोई पिक्चर बनाए और उस पर मोदी साहब की तस्वीर उसमें आयां कर दे और नीचे ये लिख दे इस तरह का कोई शेर,
तो आपको कैसा लगेगा? वकास भाई रम लगाए बोले, मतलब ये इंडिया ये कि हिंदुओं का एक सिंबल है कि यार मेरे भगवान है, भगवान है, मुझे पता उसमें इमरान खान को उनके खुदा की गुस्ताखी की जा रही है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये इंडिया ने, इंडिया वालों ने बनाई है कि पाकिस्तान वालों ने, पाकिस्तान नीचे शेर पाकिस्तान लिखा नहीं, तो ये इंडिया वाले नहीं लिख सकते। ये बड़ी बात है कि नहीं नहीं मेरी बात सुन रहमतुल्लाह, आपको ये देखा करें ना, ये सोचा करें, तो सार भाई ने बात की है भाई, ये पाकिस्तान का काम है मैं मान लूंगा, यानी कि मुखालिफ पार्टी का था या किसी का भी, यानी कि इमरान खान का इस तरह किरदार दिया गया अभी इस तरह, यार मेरी बात सुन सर ज्यादती है, ठीक है ना, उन लोगों को तकलीफ हुई, मैं माजरत करता हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। बकाया बात रहेगी इमरान खान की भी लोग अदब और एहतराम करते हैं, वो तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करते, लेवल का नहीं भाई, वो हमारा खुदा है, इस तरह का मौला माफ करे, इस तरह नहीं, एहतराम है दिल में भी वो अच्छा ठीक है, लेकिन किसी खुदा के साथ उनको यानी कि बराबर करें, ये ऐसा कोई बात नहीं, ये जिसने खबीस ने किया गलत किया है, मैं इस चीज की मजम्मत करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो है ना हिंदू भाई हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी इस तरह देख के, ठीक है ना यार। मैं कहता हूँ मुसलमानों कुछ गैरत खाओ, कुछ गैरत खाओ, इस तरह का काम ना किया करें, जो बदनामी हमारी होती है। आप फिर एक काम कर, फिर एक और इमरान की पिक्चर बनी हुई है कि वो जो माजअल्लाह जो मौसा सलाम ने जिस तरह एक मतलब रास्ता बनाया था ना अपने लश्कर के लिए, तो उस तरह यार साडों पर समंदर दिखाया गया दरमियान में से, यार गलत है ना, सरासर गलत है, जहलियत है, पागलपन है, और मैं कहता हूँ क्या इनको लफ्ज में चूज करो यार, इस तरह क्यों करते हो यार, दूसरों को बात करने को क्यों मौका देते हो। और दूसरी बात अब आ जाते हैं फोर्स कन्वर्जन पर, यानी कि ये असल में सारी वीडियो का मकसद यही था कि जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी है ना उनको कहां कहां से टॉर्चर किया जाता है। पहले उन्होंने उनके भगवान को टॉर्चर किया उसमें इमरान की तस्वीर बनाकर, फिर उन्होंने उनकी कोई माता थी उसमें मरियम नवाज की तस्वीर बनाकर उन्होंने टॉर्चर किया। इस तरह हम लोगों को तकलीफ होती है यार, इस तरह नहीं उनको भी तकलीफ होती होगी। फिर उन्होंने कहा कि फोर्थ कन्वर्जन आ गया, फिर उन्होंने मिसालें दी, उन्होंने मिसालें दी रीना अवीना आई थिंक इस तरह दो सिस्टर्स थी जिनको पहले यानी जिनको उठाया गया, फिर उनके साथ किसी मुस्लिम की जोर जबरदस्ती, और उसका वालिद जो है उनके ऊपर हाथ रख के बता रहा है कि ये मेरी बेटियों के साथ मतलब गलत किया गया, उसको मतलब फोर्सफुली उनको कन्वर्ट किया गया इस्लाम के में। और इस तरह देखें तो ये इस्लाम भी तो ज्यादा इस तरह नहीं ना देता, इस तरह को मुल्क का नाम बदनाम करने के शरपसंद लोग हैं। मैं कहता हूँ इस तरह जो इस तरह का काम करता है यकीन करें उनको उल्टा लटकाना चाहिए, क्योंकि पता चले मेरिट है, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरह यार। वो मेरी बात सुनो, वो जो गैर मुस्लिम लड़की के जिनकी डेथ भी होगी शूट किया गया, ठीक है, लड़का शूट कर दिया था उसका नाम, मेरी बात सुनो, वो उनके पास इतने वसैल नहीं थे उनका सामना करने के लिए, ठीक है ना। वो आपने सुना भाई ने बोला भी पॉलिटिशियन का यानी कि इस तरह का बैकग्राउंड था उसका, यानी कि पावरफुल था यार, ये तो सरासर ज्यादती है, ये तो ऊपर वाला भी देख रहा है, किसी के साथ ज्यादती करोगे तो आपके साथ जरूर होगी, तो फिर ये ऐसा करोगे वैसा यार, इसी वजह से तो आज हम पीछे ना विकास भाई, हमारे मुल्क में लॉ ऑर्डर नहीं है, हमारे कैद ये फरमा गए जिसके हमें वो सर पर तस्वीर लगा कर रखी, हमारे कैद ये फरमा कर गए हैं कि इस मुल्क में तमाम हिंदुओं क्रिश्चियंस तमाम मिनोरिटीज को हिंदू अपने मंदिर में जाना चाहिए उसको आज़ादी है, कोई क्रिश्चियन अपने चर्च में जाना चाहिए उसको आज़ादी है, लेकिन बाद में वाले रेडिकलाइज हैं जिसमें जियाउल्लाह ने काम किया। मैंने इस चीज़ को नहीं कहता कि आपका लॉ जो है इस्लामिक है, इस चीज़ को कहता कि अगर उधर को हिंदू है तो उनको हक है, वो भी इंसान है, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार, आपकी बात ठीक है, जो भी किसी मुल्क में कोई कम्युनिटी हो जिस मजहब से तलक रखता है उसको मुकम्मल आजादी होनी चाहिए। और मेरी बात रहमतुल्लाह बात ये है ना, जब जो ये इस तरह काम हुआ है हमारे पाकिस्तान के अंदर भी दो बहनों को उठाया गया, उनको कन्वर्ट किया गया जबरदस्ती, उनके साथ निकाह पड़ा, इस तरह इंडिया में होगा तो हम लोग आग बगुला हो जाते हैं ना, इस तरह जो है ना हम जो है ना पता नहीं क्या बन रहे हैं, ठीक है भाई, इस तरह नहीं, बेशर्मी वाले पाकिस्तानी बातें सुनवाते हैं भाई, वो आम लोग सच्ची करते हैं, ठीक है ना,
वो प्रूफ के साथ करते हैं, ठीक है ना। अब देख के किस तरह हम लोग उनको झुटला सकते हैं भाई यार, ये नहीं गलत बात। बीबीसी की रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल अदारा नाम यार भाई, वो तो आपको पता है, हम लोग भी कह देंगे। अब यूएसए का जो वर्मा ओबामा, उसने भी इंडिया को आपको पता है बोला भी, आप जो है ना अखिलियतों आप इन लोगों ख्याल रखे, चाइना ने भी, ये बातें नहीं है यार। मैं कहता हूँ वो गलत हैं, लेकिन हम तो लोग अपने आप को ठीक करें ना, हम तो, मैं कहता हूँ उनसे ज्यादा गलत हैं, ठीक है। अच्छा, वो गलत हैं जो इतने इतने बड़े जो जो कंट्री, पावरफुल कंट्री के जो सदर बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आपने आपने गलत समझी, मैंने बोला है जो इंडिया के अंदर होता होगा, मैं मान लेता हूँ ज्यादती होगी, किसी के साथ हो जाती होगी, बिला वास्ता जिस तरह भी हो जाती है, ठीक है ना, छोटे मोटे मसले बनते, लेकिन हमारी कंट्री में तो ज्यादा ही, यानी कि शर्म का मकाम है ना, इस तरह यानी कि होना चाहिए। देखें हमारा को बड़ा लीडर के हाथ है इसमें, लीडर क्या, वो मेरी बात सुने आंखों से और कानों से, हम लोग देख रहे हैं, वो देख नहीं, उनके पास तो ज्यादा यानी टेक्नोलॉजी हर चीज होती है, वो दुनिया की हर चीज देख रहे होते हैं, ठीक है ना भाई। इन चीजों को बंद करें, पाकिस्तान की जो इमेज है वो ऊपर जाए, लोग इज्जत कदर करें खुदा के लिए। आपको पता है सिंध के जो वजीर है मुराद अली शाह, उन्होंने एक मंदिर का अफ्तिताह भी करवाया और खुद उसकी पूजा भी करवाई, वो तो हिंदुओं का इतना ख्याल रखते हैं, आपको पता है, वीडियोस देख चुकी होंगी यार। वो तो उन लोगों ने बात नहीं की, बात की है सिर्फ उनके जो भगवान है उनके साथ उनको अटैच किया जाता है, उनको तकलीफ इस बात की होती है, उन लोगों ने तब दिखाया, आप उनकी बात समझे नहीं है रहमतुल्ला। वो भी हम लोगों को तकलीफ होती, क्यों एक इंसान को उनके साथ मैनेज करते हैं, हम लोगों को तकलीफ होती भी वो, आप पाकिस्तान से अगर कोई माइग्रेट करके जाते ना हिंदू, तो यही वजह है कि उनको टॉर्चर जहनी तौर पर और उनके मजहबी तौर पर बता नहीं रहे, तकरीबन यानी कि 50 कबीले का 50 खानदान छोड़ के जाते हैं। कि कायदे मोहम्मद जिन्ना ने फरमा कहा था कि वो, मैंने खुद भी पढ़ा बिल्कुल इस तरह कि 1900 जब पाकिस्तान बना था ना 1947 को, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि जो जितनी भी अकलियतें हैं ना, ये अपने मजहब के मुताबिक मुकम्मल आजादी के साथ है, और मुसलमान हिंदू के मंदिर में जा सकता है, हिंदू मस्जिद में जा सकता है, और इसको हुकूमत रियासत से कोई लेन देन नहीं, जो मर्जी करे। लेकिन तो अभी ये थोड़ा सा मसला बन रहा है, क्योंकि उन्हें हमारे कायद ने तो नहीं ना, आप कायद को भी, हमारे कायद को भी बुरा भी कहते हैं कि उन्होंने शुरू से जो है ना हल नहीं लोगों ने उनकी बात सुनवाई है यार, इस भाई ने नहीं कहा, और वीडियोस में बहुत, चल यार मेरी बात सुने, वो हम उनको गलत बहुत ज्यादा बुरे, लेकिन मैं रुखसार भाई ये मेरा मानना है, हम जो है ना अपने आप को ठीक करें, वो लोग मानेंगे भी वाक्य पाकिस्तान ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नई वीडियो में, नाटा साथ, तब तक इजाजत, अल्लाह।